स्माइल पिंकी नाम की डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में मशहूर हुई। इसे ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। इस अवार्ड के बाद पिंकी नाम की बच्ची और उसके परिवार की चुनौतियों को दुनिया ने इस फिल्म के जरिए समझा। लेकिन अब पिंकी और उसका परिवार मुश्किल में है। उनके घर को गिराने का नोटिस वन विभाग ने भेजा है, वो घर जिसे बनाने में सरकार ने ही मदद की थी। पिंकी और उसके परिवार पर आए संकट पर हमारी ये रिपोर्ट। आधे अधूरे मकान में खाट पर बैठे पिंकी के पिता राजेंद्र सोनकर घर गिराए जाने के वन विभाग के नोटिस से खासे परेशान हैं। घर ना रहा तो परिवार को लेकर कहां जाएंगे। सामने ही दूसरी खाट पर बैठी पिंकी एक तस्वीर और ऑस्कर की ट्रॉफी के साथ पुरानी यादें ताजा करती दिख रही है। मतलब सरकारी पैसा मिला था आवास बनने के लिए, तो सरकार ने दिया था आवास बनाने के लिए, तो अब क्या बोलते हैं कि ये अवैध है, ये सरकारी, अरे ये जंगल माहौल का अवैध है ज़मीन, इसको खाली किया जाएगा। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, जब वो लोग खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसी चीज़ का नोटिस आया हुआ है। स्माइल पिंकी फिल्म को शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये फिल्म क्लेफ्ट चाइल्ड पिंकी पर आधारित थी। अवार्ड के बाद पिंकी के साथ ही रामपुर डबही गांव भी मशहूर हो गया। इसके बाद 2013 में पिंकी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के टॉस के लिए सिक्का उछालने पहुंची थी। तब सरकार की ओर से पिंकी और उसके परिवार को इसी गांव में खेती और घर के लिए जमीन और पैसे दिए गए। अब वन विभाग ने बेदखल करने का नोटिस भेजा है। नोटिस यही जंगल विभाग वाले लोग भेजे हैं घर पे नोटिस गिरने के लिए। तो जब पहले ही बन रहा था तो किसी ने मना नहीं किया, और अब बोल रहे हैं कि यह अवैध जमीन है और इसको खाली करने के लिए। कुछ पुश्तैनी और कुछ पिंकी को मिली जमीन पर खेती किसानी करके राजेंद्र सोनकर 7 लोगों का परिवार पालते हैं। पिंकी की शोहरत की वजह से रामपुर डबही के कुछ और गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता मिली थी। वन विभाग ने उन्हें भी नोटिस भेजा है। हालांकि इन लोगों को शासन प्रशासन की ओर से उनका घर न गिराए जाने का आश्वासन मिला है, लेकिन इससे उनकी चिंता खत्म नहीं हो जाती है। इसी तरह से खेती गृहस्थी का कर जीवन पाल रहे थे, तो पाल रहे थे हम लोग। तो मतलब अभी हमको शासन तो बहुत लोग दिया, मतलब DM साहब भी या पटेल संसद विधायक जी कि घर नहीं गिरेगा, तो हमें कुछ मिलन नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिलन, तो हमें कौन संतुष्टि हुआ कि आज के बाद कल गिर सकता है। जब हमें प्रूफ मिल जाता तो हमको भाई ये होता है कि हमको प्रूफ मिल गया, हमारा नहीं गिरेगा। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पिंकी इस्माइल को 2008 में उनके घर वालों को आवास दिया गया था DM द्वारा, जिससे 2023 में वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है घर खाली कराने के लिए, खाली कराने के SDM और DM द्वारा आश्वासन दिया गया है उन लोगों को कि आपका घर नहीं खाली जाए। उनके घर वालों का कहना है कि उनको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें गरीबों का भला हो। 16-17 साल की छोटी उम्र में पिंकी ने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को बहुत नज़दीकी से महसूस किया। उसकी जिंदगी संकटों से उबर ही रही थी कि अब एक बार फिर से घर को लेकर खड़े हुए इस नए विवाद ने उसके पूरे परिवार को एक नई चिंता में ढकेल दिया है। जिंदगी मुश्किल नहीं तो इतनी आशा भी नहीं, वक्त बेवक्त बड़ा तल्ख इम्तिहान लेती है। जिंदगी के इन्हीं तल्ख इम्तिहानों को पास करती पिंकी आगे बढ़ रही थी कि वन विभाग से मिले एक नोटिस ने उसके पूरे परिवार को एक नए इम्तिहान की परेशानी में डाल दिया है। देखना यह है कि पिंकी की जिंदगी से इम्तिहानों का ये सिलसिला कब खत्म होता है। अहरौरा के रामपुर डबई गांव से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।